चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को ऐसे वाला सेम 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 राइट। तो पहला वाला सिंपल देते हैं, पहला वाला ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में थोड़ा तेज से पांच बार बोलना है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। सुमित जी योर चांस। हो गया? हां शी मेड अ मिस्टेक। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पकड़
चलिए कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अच्छा आप पैसे कोई बोलो चलो हाँ चलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तीतर के दो पीछे तीतर आगे अरे माय गॉड सिलेबस ही चेंज हो गया। कच्चा पापड़ अमित अमित बोल अमित बोल कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हाँ बराबर बोल रहा हूँ लड़ क्यों रहा है तू अरे लड़कियों बोलो कोई हुआ ना एक टीम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 अच्छा एक बार जोरदार ताली ये जो साल है और पिछला साल भी था बहुत ही डिफिकल्ट था टफ था लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि थ्रू आउट द ईयर इस फैमिली ने यही कोशिश की है कि सब फैमिली मेंबर्स साथ आकर एक ऐसा शो एंजॉय कर सके जो आधारित है हम सबकी जिंदगियों पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से सारी जो सीन्स है सारी जो एक्सपीरियंसेस है वो हम तक पहुँचाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और वैसे भी बताना चाहेंगे कि हम वैसे इकट्ठा हुए दिवाली पार्टी के लिए सो हैप्पी दिवाली सर एक बार वापस एक बार एक बार वापस हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी दिवाली सारे मीडिया मेंबर्स हैं आप सबको शुभ दीपावली और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार हमेशा देने के लिए। और हमारी जो फैमिली है आप देख सकते हैं कि इनको इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है मिलता रहेगा हमेशा। सो मेंबर्स एंड हमारे जो मीडिया के सारे अतिथि यहाँ पर आए हैं नाउ इट्स टाइम फॉर वन ऑन वन इंटरेक्शन और हिमांश जी के लिए जोरदार तालियां। तो सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी एडवांस में। तो ये तो ऑन स्क्रीन वाली जो परिवार है इनके साथ में दिवाली आप लोगों ने मना लिया हमने देखा काफी ज्यादा एंजॉय किया जी। तो शूट्स वगैरह भी हो गए होंगे किस तरीके से पूरा दिवाली को सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने? दिवाली के कुछ एपिसोड्स मतलब अमूमन होता है कि आप जब कोई त्यौहार आता है तो उसके इर्द गिर्द एक एपिसोड तो बनता ही है जैसे नवरात्रि का बना गणेशोत्सव का बना उसी तरह दिवाली के भी एपिसोड्स हैं और अलग एपिसोड्स हैं और एक गेम हम खेल रहे हैं उस पूरे एपिसोड में जिसके बारे में जाहिर है कि हम बता नहीं पाएंगे आपको उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। वेल ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बात ऑफ स्क्रीन कितनी प्लानिंग चल रही है दिवाली की क्योंकि दो साल बाद चीज़ें अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है तो किस तरह से दिवाली मनाने का इरादा है आप सभी? किस तरह से मना रहे हो दिवाली तुम? कपाही परिवार किस तरह से दिवाली मना रहा है? पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। वाह क्लियर है भैया हम ज़्यादा नहीं सोचते है ना। तो दो दिन की छुट्टी मिल रही है हमें तो सब अपने अपने फैमिलीज के साथ वक्त बिताएंगे और जैसा कि आपने कहा कि ये इस दिवाली पिछले साल हम दिवाली नहीं मना पाए थे लेकिन इस साल जो दिवाली वो पिछले साल की भी भड़ास हम निकालेंगे तो ज़ोरदार जोरों से मनाएंगे दिवाली। अंजन जी आप कैसे मनाएंगे दिवाली? दिवाली हम तो मना रहे हैं शुरुआत हो गई है हमारी क्योंकि जो हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते थे मिठाइयों की या गिफ्ट्स की वो शुरुआत हो गई है हमारी ऑलरेडी क्योंकि उससे पहले ही धनतेरस से पहले शुरू हो जाता है क्योंकि आउट ऑफ मुंबई भी है तो वो सब शुरू हो गया है और धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी होती है ज़रूरी तो मिनिमम जो पूजा के लिए जो कुछ बर्तन होते हैं कुछ कॉइन्स होते हैं ये सब लेना ही पड़ता है
वो लेंगे हम लोग, धनतेरस कल है, कल मैं जाएंगे अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद दिवाली के दिन पूजा पाठ करेंगे, पटाखे ज़्यादा नहीं, खाली फुलझड़ी होती है एक बार ईश्वर के सामने हम लोग फुलझड़ी लगाते हैं, और फिर उस वो फुलझड़ी थोड़ा इधर उधर लगा करके, उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि दिवाली में फुलझड़ी से या इन पटाखों के इससे कुछ मच्छर और जो इसके बाद इस सीज़न में आने वाले होते हैं उससे निजात मिलती है। और इस समय बहुत ज़्यादा वायरस वाला चक्कर जो है, हाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, वो पॉल्यूशन उल्टा हमको और वायरस लेकर के आएगा, वो वैसा नहीं होना चाहिए। पटाखे इसलिए कम चलाना चाहिए कि इस समय दुनिया की हालत अच्छी नहीं है, पटाखों की कमी होनी चाहिए, ज़्यादा पटाखे रहने से एटमोसफियर ऑलरेडी एटमोसफियर में बहुत पॉल्यूशन हो चुका है। चार दिन के पटाखों के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ेंगे, हाँ इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ेंगे, इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बहुत लेकिन पटाखे फोड़ेंगे जरूर, क्या होता है मालूम नहीं पर है। लेकिन यू नो औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी त्यौहार में, तो आप लोग कितनी मदद करते हैं जब घर के औरतों की बात आती है, तो उनकी मदद करते हैं या फिर? नहीं नहीं बिल्कुल मदद करते हैं हम, खाने में मदद करते हैं ना, इसमें सीन्स भी हैं ऐसे। नहीं आप पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो था वही मेरे सीन्स में है। कल का जो सीन किया ऐसा लगा मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, भारती से बात कर रहा था ऐसा लगा पत्नी से बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन हम मदद करते हैं, मैं तो मदद करता हूँ, लेकिन जो लड्डू वड्डू बनाने होते हैं वो ज़रा थोड़े मुश्किल होते हैं, तो बट यस एक क्या कहते हैं आउटसाइड सपोर्ट होता है ना वो देते हैं। जैसे कि आपने कहा हम खाने में मदद, हाँ बिल्कुल, तो यू नो जब एक आर्टिस्ट होता है वो खाने पीने पर बहुत ध्यान देता है, तो ऐसे वक्त में त्योहारों वगैरह में ये जो हम लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, सच्चाई ये है कि ज़्यादा मदद नहीं कर सकते बंधु, जो वो बना सकती है वो हम लोग नहीं बना सकते। खा तो सकते हैं ना, खा सकते हैं बस वही बात है, पेड़ की जो बनती है ना, हाँ, नहीं नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। सॉरी आप क्या कह रही थी? खाने पीने में नहीं 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 डाइट वाइट नहीं फॉलो करते इस फेस्टिवल्स के, फेस्टिवल्स में छुट्टी डाइट को है ना, डाइट नहीं फॉलो करते फेस्टिवल्स में। डाइट फॉलो करना पड़ता है मुझे, इनको नहीं करना पड़ेगा मुझे करना पड़ता है, और मेरी पत्नी देखती है इसको, वो वही देंगी जो हमको खाना चाहिए। तो सब अपने अपने फेवरेट फूड बता दो जो दिवाली पर खाना पसंद है आपको। मैं मुझे करंजी बेसन के लड्डू, हाँ करंजी बेसन के लड्डू, शक्कर पारे और चकली, काजू कतली। अरे यार बेसन के लड्डू और बंगाली संदेश रसगुल्ला के साथ, गुलाब जामुन से अच्छा रसगुल्ला लगता है। ओके तो ये तो हो गई दिवाली की बात, लास्टली एक दिवाली विश कर दीजिए जिससे आपके फैंस को धमाकेदार दिवाली विश। आप सभी को वागई परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको भी। तो आज तो दिवाली यू नो कुछ इस तरह से बनाई कि आप लोगों ने अंताक्षरी खेल लिया, लड्डू भी बना लिया, लेकिन रियल लाइफ में किस तरह से दिवाली सब बनाते हैं? ये ऐसे लड्डू वड्डू की कंपटीशन नहीं होती है लेकिन आदमी फिर भी हारते हैं दिए जैसे दिया जलाया है, ये रंगोली करी, अब ये फूलों की है, हम लोग रंगोली बनाते हैं, दिए तो जलाते हैं और तेल के दिए जलाते हैं, चाइनीज दिए नहीं जलाते, तेल के दिए। मेरे घर में आजकल कंपटीशन चल रही है मेरे मॉम और डैड में, क्योंकि अभी डैड रिटायर हुए तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब सबको बताना है कि मैंने फरार बनाया है, बस काम तो एक ही कर रहे हैं, गैस ऑन कर रहे हो बंद कर रहे हो, बट काम मैंने किया। मेरे पापा भी ऐसे, वो आएंगे ठीक है और शुरू का कुछ कर देंगे, और बोले देखो अब ऐसे ही करते रहना तुम लोग और करके चले जाएंगे। और मतलब शंकर पुरी का भी सिर्फ इतना ही किया, ओके मेरा हो गया, मैंने मैंने बनाया ना। मेरे मम्मी पापा के यहाँ तो इतनी सफाइयाँ चल रही होती है ना कि मतलब ऐसा लगता है तूफान आया हुआ है, बट मैं उससे थोड़ा कम मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि अभी ऑब्वियसली घर पे टाइम भी नहीं मिलता, बट हाँ रंगोली, मिट्टी के दिए, और मैं अपने 4 साल के बेटे को सिखा रही हूँ कि दिवाली कैसी होती है। सो यू नो बीइंग अ लेडी सबसे ज़्यादा योगदान आप ही लोगों का होता है जब दिवाली या त्यौहार आते हैं, क्योंकि मेहमानों को देखना होता है, खाने पर ध्यान देना होता है, तो
आपके घर पे जो जेंट्स है वो सब कितना मदद करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मदद करते कोई भी नहीं, वो मदद नहीं करते, यही सबसे बड़ी मदद होती है उनकी। एक कोने में ज्यादा ज्यादा क्या लड़ियां लगानी होती है तो उसके लिए प्लग डाल देते हैं एक्चुअली। और खाने में खाते ना हम बनाते हैं। मैं अगर ये बोलूंगी तो सच में मुझे घर पे जाके पड़ेगी लेकिन मेरे डैड सच में बहुत हेल्प करते हैं मम्मा के। हाँ, लाइट्स लगाने को मेरे मम्मी पापा भी बहुत हेल्प करते हैं एक्चुअली, बहुत हाइपर एक्टिव है। वेल, दिवाली मतलब खाना भी होता है और लेडीज हैं तो कितना डाइट कॉन्शियस होते हैं जब? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। हमारे अगले परिवार में एक कोई डाइट फॉलो नहीं करता, सब खड़े वो सब खड़े हैं, सब सिर्फ खाने के बारे में बात करते हैं। जब खाना खो चुका था अगले खाने के बारे में बात होती है। अभी भी आई एम श्योर कि हम तीनों के मन में प्रिय आती है तो इनके घर से क्या है हमारा उस पर नजर होता है। सब भूखड़े हैं यहाँ पे, सब भूखड़े हैं। तो कल तो क्या लाया था वो? चूड़ा, चूड़ा बाकरवड़ी और चूड़ा, खत्म। वो बस सेट पे आना होता है, यहाँ खाना आता है तो वापस नहीं जाता, सिर्फ जी बाहर नहीं आती, बाकी सब होता है। हम सब खाना देख के पागल हैं। तो आप सभी के कोई स्पेशल प्लान्स हैं दिवाली के? क्योंकि यू नो बहुत सालों के बाद जो है वो चीजें नॉर्मल। प्लान कुछ नहीं, बस इस बार फैमिली को घर पे बुलाया क्योंकि फैमिली भी घर पे नहीं आ पाई। देखिए अभी भी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल हुई नहीं है, ये प्रिकॉशन अभी भी लेना छोड़ नहीं सकते लोग। दिए हुए तो लगाते थे पर लोगों का मिलना नहीं होता था, जो इस बार मिलना होगा जाना होगा। परिवार से हो सकते हैं, वैक्सीनेशन ले चुके हैं दोनों तो वो सेफ्टी है, बट हाँ अभी भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो लोग जिन लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान अपनों को खोया है उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बांटनी भी बहुत ज़रूरी है। और क्रैकर्स कितने ज़्यादा पसंद है दिवाली में, क्रैकर्स वगैरह बिल्कुल। फूलझड़ी, अनार, ये सब मेरे बेटे को देखने में पसंद है। आवाज़ वाले पटाखे बिल्कुल, या पॉल्यूशन बहुत होता है तो फूलझड़ी, बाकी अनार भी नहीं, वो इतना धुआं भी बहुत होता है, धुआं बहुत होता है। तो खाने की बात की जाए तो फेवरेट फूड कौन सा है आपका दिवाली में? अभी बात की ना आपने, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। फेवरेट मिठाई है मुझे सब पसंद है, चकली और बेसन के लड्डू, और मुझे इनके हाथ का चिवड़ा बहुत। हाँ, भारती मौसी के हाथ का चिवड़ा, शंकरपाड़ी, करंजी। क्या क्या आ रहा है, हम तो ये सोच रहे कि क्या क्या आ रहा है। मुझे भी तो आपकी तैयारियां हो गई है, बना लिया जैसे कि आपने कहा तो सब बना लिया है आपने ऑलरेडी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो जितना मिलता है उतने, क्यों परसों से दिवाली आई। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? अरे आधा तो खत्म हो गया इधर, वो लाती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बचता नहीं है, वो खत्म हो गया ना, कल ही लाया था वो पूरा फर्स्ट कर दिया। ओके, लास्टली यू नो एक दिवाली विश करते हैं और भी फैंस को आप कहना चाहते हैं, क्योंकि बाद में फैमिली को फैंस इतना ज्यादा प्यार देती है, इतना ज्यादा पसंद करती है, तो ऑब्वियसली आपके मन में कुछ ना कुछ होगा, जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपने फैंस को वो दे सकते हैं। दिवाली पहले तो हमारी वागले की दुनिया देखते रहिए, ये बहुत जरूरी है, और कुछ ना कुछ आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, उसमें आपको एंटरटेनमेंट भी होगी, तो वो देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और दिवाली बांटिए भी, लोगों के साथ भी बांटिए, सिर्फ खुद मत मनाइए, सबके साथ बांटिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मतलब जैसे हम, जैसे आपसे हमें पता चलता है कि आपको बहुत खुशियाँ मिलती है हमें देख के, तो हमारे लिए भी अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है, तो ऐसी आप भी ऐसी खुशियाँ बांटे। ओके, लास्ट एक दिवाली विश कर देते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम वागले तमिली। थैंक यू।